गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने बायोटिक और एबायोटिक एजेंट्स के बारे में पढ़ा था और मैंने बताया था कि हाउ द पॉलन ग्रेन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स, व्हाट आर द वेरियस वाया मीडिया बाय विच एंथर्स ट्रांसफर फ्रॉम पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये मैंने कल बताया था आपको. टुडे वी विल डिस्कस द पॉलिनेशन बाय बायोटिक एजेंट्स, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, इनब्रीडिंग डिवाइसेस एंड पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन. मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, पॉलन मींस मेल गैमिट्स, पिस्टल means female reproductive organ or also called as gynoecium. ये मैं बता चुका हूं आपको. Pollination by the biotic agents. Mostly plants जो होते हैं वो with the help of animals, bio means living beings, with the help of the living organisms, the pollen can be transferred through animals, insects, particularly bees, they are the dominant biotic agents for the pollination. On the basis of the close and open flower में मैंने आपको chasmogamous और clistogamous flower के बारे में बताया था. Insect pollination or insect pollinating flowers are very large, colorful, fragrant. Fragrant means उनमें smell होती है, उनकी फ्रेग्रेंस होती है. क्यों होती है? क्योंकि दे हैव टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर द पर्पज ऑफ पॉलिनेशन. स्मॉल फ्लावर्स प्रेजेंट इन क्लस्टर टू मेक देम कॉन्स्पिकुअस. फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स सिक्रीट फाउल ऑडर्स. नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स आर द यूजुअल फ्लोरल रिवार्ड्स फॉर इंसेक्ट्स. In some species, floral rewards are in providing safe places to lay eggs. Amorphophallus इसका example है. Moth and yucca, a species of moth and yucca plant cannot complete their life cycle without each other. The moth deposits its egg in the locule of the ovary, जो ovary की locule होता है उसके अंदर मोथ अपने एग देता है. एंड द फ्लावर इन टर्न गेट पॉलिनेटेड बाय द मोथ, और फ्लावर जो है वो उसके अंदर पॉलिनेशन होता है. मैनी इंसेक्ट्स दे कंज्यूम पॉलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंग अबाउट पॉलिनेशन. कई बार ऐसा होता है कि इंसेक्ट्स जो होते हैं वो पॉलन ग्रेन्स को इंगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं, और नेक्टर विदाउट ब्रिंग अबाउट मीन्स पॉलिनेशन नहीं कर पाते उसमें. सच फ्लोरल विजिटर्स आर रेफर्ड एज पॉलन नेक्टर रॉबर्स. पॉलन नेक्टर रॉबर्स. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस वेरी इंपॉर्टेंट. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में क्या होता है? देयर टू टाइप ऑफ डिवाइसेस. नंबर वन आउटब्रीडिंग एंड इनब्रीडिंग. मोस्टली जो फ्लावर्स होते हैं दे आर हर्माफ्रोडाइट. मालूम है व्हेन द मेल एंड फीमेल गैमिट्स आर फाउंड और मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर फाउंड इन द सेम फ्लावर, सच फ्लावर आर कॉल्ड एज हर्माफ्रोडाइटिक फ्लावर और हर्माफ्रोडाइट फ्लावर एंड दे शोज ऑटोगैमी. मैंने आपको बताया था सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसमें. कॉन्टिन्यूअस ऑटोगैमी और सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन. एक ही जैसे प्लांट्स बनते, कोई वेरिएशन नहीं होता है. उसी प्लांट का, उसी प्लांट के पॉलन ग्रेन्स होते हैं, उसी प्लांट का एग होता है, दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन होता है, तो एक जैसे सीड्स का फॉर्मेशन होता है. दैट इज कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन. फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मैनी डिवाइसेस टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन एंड इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन. जब तक, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन अगर होगा तो न्यू
मीन्स फ्लावर का फॉर्मेशन होगा, न्यू वेराइटीज का फॉर्मेशन होगा, उसमें वेरिएशंस होंगे क्योंकि जीन्स एक्सचेंज होंगे. सच डिवाइसेज आर कॉल्ड एज आउटबीटिंग डिवाइसेज. पॉलन रिलीज्ड एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड. स्पेशल सेपरेशन ऑफ एंथर्स एंड स्टिग्मा. एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस एट डिफरेंट पोजिशंस. सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी. प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर. क्योंकि जब तक यूनिसेक्सुअल फ्लावर नहीं होगा तब तक आउटब्रीडिंग डिवाइसेस या आउटब्रीडिंग और क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा. उसके लिए एक फ्लावर मेल में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होने चाहिए. पॉलन पिस्टन इंटरेक्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 3 मार्क्स का एग्जामिनेशन में आता है. क्या होता है इसमें कि पिस्टिल मैंने आपको बताया था, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ द पिस्टिल. पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, दे आर बेसिकली डिपॉजिट ऑन द स्टिग्मा, स्टिग्मा के ऊपर जाते हैं, एडहेयर करते हैं एंड दे इंसर्ट आवर पॉलन ट्यूब्स. जो पॉलन ग्रेन्स की एग्जाइन होती है वो रप्चर कर जाती है. एंटाइन एक्सटेंडेड फॉर पॉलन ट्यूब और वो स्टाइल के पैरेलल रन करती है. पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी फॉर द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन टू द राइट टाइप ऑफ स्टिग्मा. मीन्स डिफरेंट टाइप के पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वो डिफरेंट टाइप के स्टिग्मास के ऊपर जाते हैं, लेकिन अगर करेक्ट पॉलन ग्रेन होगा और प्रॉपर स्टिग्मा होगा तभी वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आगे फॉलो करेगी. द पिस्टिल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन वेदर इट इज कॉम्पिटेबल और इनकॉम्पिटेबल. मीन्स उसी फ्लावर का एंड पॉलन ग्रेन्स हैं या नहीं है, इट इज डिसाइडेड बाय द बेसिकली पिस्टिल. इट इज द राइट टाइप ऑफ द स्टिग्मा अलाउ द पॉलन टू जर्मिनेट. स्टिग्मा के ऊपर जो बिल्कुल करेक्ट पॉलन ग्रेन होता है वो जर्मिनेट करता है. इफ इट इज रॉन्ग टाइप ऑफ स्टिग्मा, इफ इट इज रॉन्ग टाइप द स्टिग्मा रिजेक्ट्स द पॉलन. स्टिग्मा क्या करता है, उसे रिजेक्ट कर देता है. मीन्स अगर रोज प्लांट के पॉलन ग्रेन से तो रोज प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर पहुंचेंगे, पॉलिनेशन होगा, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा. लेकिन अगर रोज प्लांट के पॉलन ग्रेन्स लोटस पे या लिली पे या दूसरे प्लांट्स के ऊपर पहुंचेंगे तो वो जर्मिनेट नहीं करेंगे, उसके लिए पिस्टिल उसे रिजेक्ट कर देगी. इफ इट इज रॉन्ग टाइप द रिजेक्ट द पॉलन ग्रेन, बताया मैंने. द एबिलिटी ऑफ द पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन बाई कॉन्टिन्यूस डायलॉग मीडिएटेड बाई द केमिकल लाइक बोरॉन इनोसिटॉल एंड सुक्रोज लेवल. क्योंकि पिस्टिल मैंने बताया कि उसके स्टिग्मा के ऊपर सुक्रोज और शुगरी सब्सटेंस होता है. इनका पर्पस क्या होता है, टू अट्रैक्ट द पॉलन ग्रेन्स. फॉलोइंग कॉम्पिटेबल पॉलिनेशन द पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूसेस पॉलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्म प्रोज और ये इट रीचेस अप टू द एम्ब्रियो सैक. थैंक यू. हैव ए नाइस डे स्टूडेंट.